दिल्ली जा रहा हूँ, हमारी रैली है। हमें देश की जनता को ये संदेश देना है कि अपना देश किस अंधेरे की तरफ घसीटा जा रहा है। 14 तारीख को बड़ी रैली है जिसमें सोनिया जी, राहुल जी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता उसमें शिरकत करेंगे। अभी जो परिस्थिति बनी है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, ये सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दावे प्रदेश कांग्रेस की तैयारियों को बयां करते नजर आ रहे हैं। यह मुद्दा सिर्फ अपने हाईकमान के आदेश का पालन करना नहीं रह गया है, बल्कि देश की राजधानी में अपना दमखम साबित करने की कोशिश को भी बखूबी समझा जा सकता है। जाहिर है जब दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस हाईकमान को यहाँ से उम्मीदें भी कुछ विशेष होंगी और उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है दोनों सरकारें। भारत बचाओ रैली के लिए तैयार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोनों ही राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल्ली कूच शुरू हो चुका है। सीएम कमलनाथ और सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचेंगे। स्पेशल ट्रेन और बस के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश कांग्रेस कर रही 50,000 कार्यकर्ता पहुंचाने का दावा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 15,000 से 20,000 कार्यकर्ता जुटाने का टारगेट। दिल्ली में कितना दम दिखा सकेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस। 11 महीने में हाहाकार मचा, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला, यूरिया और खाद को लेकर किलोमीटर किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, युवा परेशान, महिला परेशान, कानून व्यवस्था चरमरा गई। इस प्रदेश में हाहाकार मचा और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस इस तरह के स्टंटबाजी कर रही है। दिल्ली जाने के पहले मध्य प्रदेश तो संभाल लो। बहरहाल इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस को दिल्ली में सिर्फ पार्टी हाईकमान के हाथों को मजबूती ही नहीं देना बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करना है और इस प्रदर्शन में वो कितने सफल हो पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज वर्ल्डेस। नमस्कार, मैं हूँ मनोज सैनी और आज की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है चलो दिल्ली। कांग्रेस दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और प्रदर्शन कल यानी 14 तारीख को देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल दोनों ने ये दावा किया है, बल्कि दिखाने का प्रयास किया है। एक तरह से कहा जाए तो दोनों राज्यों में सरकारें कांग्रेस की है और शक्ति प्रदर्शन भी होगा वहां जाकर अपने आला कमान के सामने कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। और वो जो समय 2018 के पहले कांग्रेस का था इन राज्यों में अब बदल चुका है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और धीरे धीरे कर जो काम हमने किए हैं उसके बलबूते ही सही, लेकिन कार्यकर्ता खासे उत्साहित है और इसी बात को लेकर दिल्ली में यहां से बड़े बड़े जत्थे रवाना हो रहे हैं। आज शाम 4 बजे भी यहां से 4 ट्रेनें जाएंगी जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ से कल अलग ट्रेनों को रवाना किया गया है, उसके अलावा बसेज हैं और अपने खुद तरीके से तमाम सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे और दोनों ही मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में है। तो कैसा होगा शक्ति प्रदर्शन? क्या दिल्ली चलो के माध्यम से दोनों अपना शक्ति दिखाना चाहते? चलिए आज यही हमारा मुद्दा है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे स्टूडियो में। मेरे साथ मौजूद है आनंद जाट, कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही सुशील सरबाजी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास ही चलूंगा। आनंद, क्या कहेंगे, किस तरह का ये आपका प्रदर्शन होने वाला है? क्या इसमें ये माना जाए कि जो केंद्र की सरकार है उसको दिखाना है कि किस तरह से वो आपके साथ भेदभाव कर रही है, या फिर ये दिखाना है कि अपने आला कमान के सामने खुद का शक्ति प्रदर्शन भी करना है? जी, जिस तरह का देश में माहौल है, एक संविधान के खिलाफ, एक पूरा ताने बाने के खिलाफ एक पूरा माहौल जो खड़ा कर दिया गया है केंद्र सरकार ने, पहली चीज, इससे भी ज़्यादा जो सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो रही है उसके खिलाफ सरकार चूंकि समाचार चैनलों या जनता की परेशानियों को सुन नहीं पा रही है तो बहरी सरकार को ऊंची आवाज़ में उसके कानों के पास ये धमाका करके सुनाने की कांग्रेस सरकार की कोशिश है। जी तो, और जी, जी। महंगाई है, युवा बेरोजगारी है, किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार गड़बड़ हो रही है, इन सब चीज़ों पर, इन मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से विफल रही है। रोजगार पर बात करने जाओ तो कोई और मुद्दों पर बात करते हैं, अगर भोजन के अधिकार पर बात करने जाओ तो कुछ और बातें करने लगते हैं। तो इस तरह से सरकार लगातार गोलमोल गड्ढमड जवाब दे रही है। प्याज की कीमतें 100 रुपये के से ऊपर चली गई है और वित्त मंत्री सदन में कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग भी चिंता ना करें क्या?
या देश की आम जनता भी प्याज खाना बंद कर देगी क्या? तो इस तरह जनता से सरोकार सरकार का खत्म हो गया है और अहंकार में सरकार चूर होकर कितना बड़ा होने वाला है ये प्रदर्शन, कितने लोग इसमें शामिल होने वाले? जी पूरे देश भर से कार्यकर्ता कांग्रेस के लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, कोई रेल से पहुंच रहा है, कोई अपने वाहन से पहुंच रहा है। और ये कार्यकर्ताओं का आंदोलन बेसिकली नहीं मानता हूं सर मैं, क्योंकि भोपाल से ही मैं बहुत सारे ऐसे परिचितों को जानता हूं जिन्हों जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता या सदस्य नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने बहुत पहले से रिजर्वेशन अपने करा रखे थे कि 14 तारीख को भारत बचाओ रैली करनी है। जी जी, क्योंकि लोगों से देश बनता है सर, और अगर हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो सरकार का कोई महत्व नहीं है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। और इस वक्त मैं सीधे छत्तीसगढ़ चलूंगा, मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या तैयारियां हैं वहां से, क्या माना जाए? क्या बघेल दिल्ली में अपना प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, शक्ति दिखाना चाहते हैं कि अब किस तरह से उनकी सरकार काम कर रही है, और कितना उत्साहित है उनका कार्यकर्ता केंद्र सरकार को जगाने के लिए? बिल्कुल, यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसकी काफी बेहतर देखी जा रही है। भारत बचाओ आंदोलन को लेकर काफी तैयारी कांग्रेस की सरकार की ओर से देखी गई है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी देखी जा रही है। निश्चित तौर पर कल बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है यहाँ से दिल्ली कूच किए हैं, 7,000 से अधिक की संख्या में जो कांग्रेसी है एक निजी ट्रेन के माध्यम से दिल्ली पहुंचे हैं। और वहीं आज अन्य जो मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन की तैयारी कांग्रेस कर रही है। और लोकसभा चुनाव के बाद की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद पहला बड़ा आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर। निश्चित तौर पर बड़े तैयारी इसको लेकर की जा रहे हैं। सभी जो देश भर के अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों से कांग्रेसी पहुंच रहे हैं दिल्ली केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर एक बार बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटी हुई है। कल बड़ा आंदोलन निश्चित तौर पर कांग्रेस के द्वारा देखा जा सकता है। काफी कुछ तैयारियां यहाँ देखी जा रही है। जो मुद्दे खास रहेंगे उन मुद्दों को बताना चाहूंगा, जो मुद्दे इस आंदोलन में रहेंगे उनमें खासतौर पर महंगाई जो लगातार यहाँ पर चरम पर है, जिस तरह से भारत देश की बात करें तो तमाम चीजें इस बार महंगी हो गई है, मंदी देखी जा रही है। जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब काफी गिरावट देखने को मिली, इसके अलावा बात करें भ्रष्टाचार बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस बार केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाली है। अंकित, कोई टारगेट भी दिया गया है अपने अपने जो कार्यकर्ता होंगे या जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे उनको कोई टारगेट दिया गया है कितने लोगों को दिल्ली पहुंचना है? जी बिल्कुल, टारगेट तो इस बार देखने को नहीं मिला है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार की बात करें तो बड़ी संख्या में इस बार कांग्रेसियों को ले जाने की तैयारी सरकार की है। पिछले दिनों बात की जा रही थी कि किसानों के साथ यहां से जो कांग्रेसी है वो दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन अब कुछ कारणों से स्थगित कर दिया गया था। और एक बार फिर 14 दिसंबर को भारत बचाओ आंदोलन को लेकर एक रणनीति बनी है, जिसमें अभी फिलहाल किसानों के जाने की बात नहीं सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ से दिल्ली किए हुए हैं। कल की बात करूं तो कल 7,000 से अधिक की संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वे दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम जो मंत्री है, विधायक है और सांसद है वो आज दिल्ली कूच करेंगे। कल निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। ठीक है अंकित, मैं लौटूंगा आपके पास। मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी जिसमें सभी शामिल। ठीक अंकित, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा। सुशील जी, आप यहाँ आपके बाजू में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, वो बता रहे हैं कि गूंगी सरकार को जगाना है, छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारी वो भी आप देख रहे हैं। ये पहली बार देखा जाएगा जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 15 साल का वनवास रहा उसके बाद सरकार की वापसी हुई, तो क्या ये माना जाए कि दोनों नेताओं को अपनी मजबूती भी दिखाना है, अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना है, और ये ऐसे दौर में हो रहा है जब एक दूसरा माहौल देश के अंदर इस समय गरमाया हुआ, खासकर पूर्वोत्तर राज्य? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए आप मनोज जी एक बात समझ लीजिए कि ये भारत बचाओ रैली जो है मूलतः जो है केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा आंदोलन है, और ये जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था उसके बाद पहली बार कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। अब कांग्रेस यदि शक्ति प्रदर्शन कर रही है तो उसका बड़ा दायित्व जो है कार्यकर्ताओं को जुटाने का दायित्व कांग्रेस शासित सरकारों के मुख्यमंत्रियों पर जाता है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और दिल्ली से सटे हुए राज्यों के लिए ज्यादा महत्व होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दिल्ली लेके चले, तो उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का दायित्व ज्यादा है। छत्तीसगढ़ छोटा भी राज्य है, दिल्ली से बहुत दूर है,
तो टारगेट के मामले मुझे लगता है छत्तीसगढ़ को थोड़ी छूट मिली होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए दो बड़े फायदे होंगे इससे। एक तो कमलनाथ चूंकि कांग्रेस शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे सीनियर नेता है, सबसे अनुभवी नेता है, तो उनका तो एक अपना अलग महत्व होगा ही इस रैली में। लेकिन इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश सरकार की एक साल की उपलब्धियां बताने का भी ये अवसर दिल्ली में इन कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को मिलने वाला है। अब उसको वो किस तरीके से लेते हैं ये महत्व होगा, क्योंकि जो सरकारें जो बनी थी, जो वचन पत्र के आधार पर इन राज्यों में सरकारें बनी थी, वही वचन पत्र में से कितने वचन पूरे कर लिए गए एक तो ये बताएंगे, दूसरा कमलनाथ दिल्ली में केंद्र सरकार जो जिस तरीके की गलतियां कर रही है जैसा कि कांग्रेस का आरोप है, उन आरोपों को प्रमाणित करने के लिए वो ये बातें भी कहेंगे, और मध्य प्रदेश को किस तरीके से खोखला किया बीजेपी सरकार ने ये बात भी उठाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म कमलनाथ को मिल रहा है अपनी उपलब्धियां बताने का भी, और इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है पिछली सरकार में जो है मध्य प्रदेश के साथ अच्छे परिणाम नहीं है वो भी बताने का मौका मिलेगा। और ऐसे दौर में आंदोलन हो रहा है जब मौसम ने भी करवट ली है मध्य प्रदेश में, यानी दोहरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और सरकार किसानों का कर्ज माफी की बात कर रही है। कल भी एक बैठक हुई और बैठक में लगभग जो बाकी जो किसान है उनके कर्ज माफी का साफ हो गया, यानी 17 दिसंबर को यह भी कर दिया जाएगा जैसा सरकार ने कहा है, लेकिन धीरे धीरे कर होगा। राहुल मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है। राहुल, कांग्रेस पहली बार दिल्ली पहुंच रही है, सरकारें मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस की है और दावा यह है कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तो क्या यह माना जाए जिस तरह से आप भेदभाव कर रही है आपकी सरकार इस आंदोलन के बाद जाग जाएगी? देखिए, मैं कहूंगा कि कांग्रेस का ये जो आंदोलन है ये बिना मुद्दे का और आधारहीन आंदोलन है, और जिस तरीके से पूरे देश में आप देखिए परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, चाहे अभी सीबीडी जो अपना नागरिक संशोधन बिल जिस तरीके से आया है, और उसमें पहली बात गृह मंत्री जी ने कहा है कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, लेकिन देश के लोगों में भ्रम फैलाने की स्थिति कांग्रेस ने की है। चाहे कांग्रेस आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पे देख लीजिए, धारा 370 के मुद्दे पे देख लीजिए, चाहे उसके बाद नागरिक संशोधन बिल के देख लीजिए, चाहे तीन तलाक के मुद्दे पे देख लीजिए, इन मुद्दों पे कांग्रेस में कभी एकजुटता नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में की है और मुस्लिमों के एक वोट बैंक के रूप में। लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल जो स्थितियां हैं, आप पूरा जो बजट चाहिए वो दे नहीं रहे हैं, लगातार लोग परेशान हैं, कल भी यहाँ बारिश हुई है और जिस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर देखी जा रही, तो क्या सरकार ये भी ना करे? मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस जिस तरीके के वादे करके मध्य प्रदेश में आई थी, जब उन्होंने वादे किए थे तो क्या केंद्र सरकार से पूछा था या केंद्र सरकार के अपेक्षा के अनुरूप उन्होंने ये लोगों को वादा किया था कि हमें इतना फंड मिलेगा तो हम 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, हम इतने समर्थन मूल्य देंगे? आज आप किसानों की हालत देख लीजिए, किसान आज इतनी भारी बारिश में पूरे त्राही त्राही हो गई पूरी बाढ़ के कारण पूरे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री उनकी सुध लेने जमीन पर नहीं गए, किसानों के हालचाल पूछने नहीं गए। और आज समर्थन मूल्य की आप बात कर लीजिए, जहां किसानों को 2300-2400 रुपए समर्थन मूल्य मिलता था, आज 1800 रुपए समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आज यूरिया की उपलब्धता जो मध्य प्रदेश में थी, यूरिया की उपलब्धता पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में त्राही त्राही हो गई है, किसानों पर भारी संकट खड़ा हो गया है। आज मध्य प्रदेश का किसान जो कृषि कर्मण अवार्ड के रूप में मध्य प्रदेश लगातार अपनी छाप छोड़ के आ रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने किसानों को त्राही त्राही, कांग्रेस का ये दावा है कि 50,000 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री हैं, एक दिग्विजय सिंह है, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक कमलनाथ है, सब अपनी अलग अलग कांग्रेस का दावा है 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचने वाले दिल्ली जी, 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने वाले। देखिए 50,000 पहुंचे, 1 लाख पहुंचे, उससे कोई मतलब नहीं है। इस देश की जनता जान चुकी है कि इस देश में अगर कोई शक्तिशाली और समृद्ध भारत की कल्पना कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सकी है। अगर आज इसके पहले आप देख लीजिए कि अगर नागरिक संशोधन बिल सीबीडी अगर आना था तो कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं लेके आई? क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों को तुष्टिकरण की नीति के तहत और उनका विकास नहीं किया, उनको शिक्षा नहीं किया, इसीलिए आज इन्होंने ये आप नागरिक संशोधन बिल में आप इनसे बहस कर लीजिए कि ये क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, वो विरोध का कारण क्या है, लेकिन सिर्फ ये मुस्लिमों वो एक अलग बहस है, लेकिन आर्थिक मंदी पर बात कौन करेगा? आर्थिक स्थितियां जो देश की बिगड़ी हुई है उसके बारे में कौन बताएगा, उसको भी तो बता दीजिए। देखिए, आर्थिक मंदी आज हमारे देश में है, लेकिन पूरे विश्व में ये असर मंदी का हुआ है और लगातार हमारे देश की वित्त मंत्री जो है इसमें लगातार
जो प्रावधान है उसको करने का प्रयास कर रही है, और यह सिर्फ केंद्र सरकार के अनुरूप नहीं होता। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने जो वादे किए थे कि ये वैट टैक्स कम करेंगे जो पेट्रोल और डीजल के रूप में, लेकिन उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, वो वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने 100 रुपए संबल योजना में लोगों को बिजली का बिल देने की बात थी, इन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। इसने 2,00,000 रुपए का ऋण माफ करने की बात नहीं, ये क्या वादे करके सरकार आई है? अगर ये बोलते बजट नहीं है तो आपको पहले देख लेना चाहिए था कि मध्य प्रदेश में केंद्र की सरकार बजट देगी नहीं देगी, तब हम वादा पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में वादा खिलाफी करके सरकार आई है। आनंद, आप सुन रहे भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो जिस तरह से आप वहां एक शक्ति प्रदर्शन करने वाले, आप लोग का दावा है कि 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता अकेले मत पे छत्तीसगढ़ से जाने वाले, क्या ये आपको लगता है कि इस आवाज के बाद जो केंद्र सरकार की कान बंद है जैसा आप लोग दावा कर रहे हैं खुल जाए? सर, निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जन विरोधी नीतियों के आधार पर अपने सरकार का संचालन कर रही है, उसमें ये आंदोलन जरूर मील का पत्थर साबित होगा। आप देखिए कि एक साल 17 दिसंबर को कमलनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए होगा, और उस दिन हम देखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब कार्यकर्ता कांग्रेस का उत्साहित है। शुरू में जरूर कुछ दिक्कतें थी, और जिस तरह मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से बिजली के बिल जहां 100 यूनिट से कम है वहां पर 100 रुपए से कम बिजली का बिल आ रहा है। अगर मेरे काबिल दोस्त जो विपक्षी पार्टी के हैं वो अगर चाहें तो मेरे घर आकर मेरे बिजली के बिल देख सकते हैं। और अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जी से संबंधित एक बड़ी खबर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती फर्जी में माला पहना दी थी बिजली महिला के गले में। जी। और इस तरह के ये ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी, इससे कुछ हासिल नहीं होना है। क्योंकि आप देखिए, आज ही की भारतीय सांख्यिकी संगठन का डाटा आया है जिसमें औद्योगिक उत्पादन की दर माइनस में जा रही है, बेरोजगारी पिछले 45 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर है, और उसके बावजूद आपका निर्यात कम होता जा रहा है, आपकी कोयले की बिजली की मांग में कमी आ रही है। ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की चाल बेहद धीमी हो गई है, बेहद मंदी है, और देश दुनिया का सबसे युवा देश होने के बावजूद बेरोजगारी से दो चार हो रहा है, युवा इधर उधर भटक रहा है। और अभी आप पिछले एक सप्ताह की पूरी खबरें उठाकर देख लीजिए, क्या ऐसा न्यू इंडिया बना रहे हैं जहां हम अपनी बेटियों को जिंदा जलाने वाले नर पिशाचों को देख रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप राहुल? लेकिन ये सारी असफलताएं और इन असफलताओं के खिलाफ ये हल्ला बोल आंदोलन है, भारत बचाओ आंदोलन है। आप मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए, पिछले माह मनुभावन की टेकरी में जो एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, और उसके बाद चोरी डूक लूट जितने भी प्रकरण हुए मध्य प्रदेश में, क्या चाहे कानून व्यवस्था अभी क्या काम किया है? का डाटा देखिए देखिए वो डाटा और ये सब आपकी शगुफेबाजी है कि आप लोग प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आपके समय डाटा आते थे वो सिग्नल नहीं होता। अपराध ब्यूरो का डाटा है, उसमें पहले मध्य प्रदेश नंबर वन का आ रहा है। जो मध्य प्रदेश में यहाँ की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी कांग्रेस की सरकार होने के बाद, आज नाबालिगों के साथ और महिलाओं के साथ रेप और उत्पीड़न के मामले जिस तरीके से बढ़े, एक साल में देख लीजिए मंदसौर और उसकी बात कर रहे हैं आप, किसानों की हालत आज देख लीजिए, आपने चुनाव में जो वादे किए थे किसानों को गोली मारने का काम किसी ने नहीं किया था, अगर प्रशासन की गलती हुई थी तो वो उनके दोषी साबित हुए थे। लेकिन आज देख लीजिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक जीतने आए, आपने वहां पे जिस तरीके से झूठे आरोप वहां पे प्रशासन में लगाए थे, आप जमीन पे जाइए धरातल पे जाइए, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में अगर आपको यकीन है कि आपकी सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो आप नगरीय निकाय के चुनाव में बदलाव क्यों लेके आ रहे हैं? आप परिसीमन क्यों करवा रहे हैं? आप मध्य प्रदेश में भोपाल की नगर निगम को सांप्रदायिक आधार के बांटने बांट कर यहाँ पर जीतना चाहते हैं, अगर आप में दम है आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेके जाइए और जनता के बीच में जाइए बिना परिसीमन और सीधे महापौर के रूप में, तब आपको मालूम चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मंडी के अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट किया था, और जब पिछला चुनाव हुआ था तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उसे सदस्यों के द्वारा निर्वाचित कर दिया था, यानी कि अप्रत्यक्ष। दिग्विजय सिंह जी ये लेके आ रहे कि मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए। चलिए मैं लौट रहा हूं, आप दोनों के पास लौट रहे हैं। राहुल सरकार लेके आ रहे हैं, आपकी सरकार बदल। राहुल आप बोलिए। सुशील जी, ये जो जिस तरह की बातें चल रही, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो अभी चैलेंज है सरकार के सामने, एक तो ठीक है वहां जाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और मुझे लग रहा है कि इसका असर कुछ ना कुछ मध्यप्रदेश को हो भी सकता, क्योंकि सरकार यहां
कांग्रेस की है और लगातार मोदी या केंद्र की तरफ से कुल मिलाकर 1,000 करोड़ दिए गए, लेकिन हमें जो जरूरत है वो 6,500 करोड़ की है। तो क्या आपको लग रहा सुशील कि ये जो जिस तरह का आंदोलन इससे बात बन जाएगी, क्योंकि चैलेंज बहुत है सरकार के सामने मध्य प्रदेश? नहीं मनोज जी, देखिए ये आंदोलन विशुद्ध रूप से केंद्रीय नेतृत्व का आंदोलन है, कांग्रेस के हाईकमान का आंदोलन है और वो देशव्यापी आंदोलन है। उससे मध्य प्रदेश को कोई वैसी मदद केंद्र सरकार दे देगा इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। लेकिन मध्य प्रदेश को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उस समय जब पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे, पूरा मीडिया वहां पर मौजूद रहेगा, तब कमलनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियां बता सकते हैं। और दूसरा, जिस तरीके का केंद्र सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा, जैसा कि कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे हैं, तो उस चीजों को भी रखेंगे, चाहे वो यूरिया का संकट हो, चाहे प्राकृतिक आपदा में जो मदद न देने का या कम देने का जो मामला है, वो चीजें रख के कहीं ना कहीं ये बात स्थापित करने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस की जहां जहां पर सरकार है वहां पर केंद्र की भाजपा नीत सरकार जो है उन सरकारों के साथ भेदभाव कर रही है। फिर चाहे वो बजट आवंटन का मामला हो, चाहे जीएसटी का उनका जो शेयर हो उसका उसको देने का मामला हो, तो ये बातें रखी जाएगी। लेकिन मूल रूप से ये आंदोलन केंद्रीय नेतृत्व का आंदोलन है। कांग्रेस चुनाव, लोकसभा चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी है, उसके बाद एक जागृति के लिए, क्योंकि सोनिया गांधी पहली दफा और ये सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो रहा है, तो दूसरा है कि जहां 2018 कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा भी रहा था, कई राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें भी बनी, तो एक शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से कमोबेश ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस वापस खड़ी हो रही है और सीधे मोर्चा लेने के लिए नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने तैयार है, ये मैसेज दिया जाएगा। और उसके जाने से पहले क्या इसीलिए ये माफिया राज, जिस तरह से कल कमलनाथ ने कहा कि माफिया राज को खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या ये उसी तरह की, जैसा आप कह रहे हैं कि वो अपनी बात ठीक ढंग से रख पाएंगे, ये इस तरह की जो तैयारियां है उसको उससे जोड़कर देखा जा सकता है? मनोज जी, ये आपने बिल्कुल सही बात की है, ये जो माफिया वाला जो अचानक कदम उठा गया उसके पीछे कहीं ना कहीं 14 दिसंबर की रैली भी रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह आपने देखा होगा पहले खनन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जिस तरीके के शब्द यूज मध्य प्रदेश के बारे में होने लगे थे, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए मुहिम चलाई। और आप देखिए कल जिस तरीके की मीटिंग कमलनाथ मुख्यमंत्री ने की और फ्री हैंड देने की बात की और यह भी कहा है कि किसी भी तरीके का माफिया मुझे मध्य प्रदेश में नहीं चाहिए, तो यह कहीं ना कहीं निवेशकों को भी लुभाने की वो है और मध्य प्रदेश की जो जनता है उस पर भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और यह बात मुझे लगता है दिल्ली में अवश्य कहेंगे कि हमने किस तरीके से मध्य प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी है और इसका अंत जो है सारे माफिया को खत्म करके किया जाएगा। राहुल, ये बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए। देखिए, एक तो शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस का, वो शक्ति प्रदर्शन के जरिए दिखाना चाहेंगे कि अब कांग्रेस किस तरह से मजबूत हो रही है, और ये वही राज्य है जहां से आपकी सरकार गई है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक में जरूर अभी आपने जीत हासिल की है, लेकिन क्या ये माना जाए जो माफिया राज खत्म करने की बात कही जा रही है, ये सब मैसेज आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी होना? देखिए, माफिया वाफिया ये सब शब्द जो है ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस में ही ये चीजें पनपती हैं और कांग्रेस के लोग ही इससे जुड़े रहते हैं। आप देखिए जिस तरीके से माफिया राज की कल्पना की थी, एक वरिष्ठ मंत्री ने अभी पूर्व मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए थे, तो उन्होंने तो सीधे कहा था कि माफियाओं को संरक्षण देने का काम कौन कर रहे हैं, माफियाओं की ट्रांसफर पोस्टिंग करने का काम कौन कर रहे हैं, तो हम तो कुछ कह नहीं रहे, इन्हीं के सरकार के लोग इन्हीं की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं और माफिया राज की कल्पना करते हैं। आप माफिया राज की कल्पना अगर करनी है तो वास्तविकता में देखिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास की कल्पना आपको करनी थी, अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ी सकारात्मक सोच इसमें रही कि अगर आप इन्वेस्टर मीट्स कहीं करके आए थे तो इन्वेस्टर मीट में हमने कहीं विरोध नहीं किया, हमने ये कहा कि अगर आप इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं तो उसके कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम एक वर्ष में दिखने चाहिए। आप झूठे वादे करके आए, आपने बोला कि हम उसमें मेमोरेंडम नहीं साइन करेंगे, कुछ नहीं साइन करेंगे, हम सीधे वहां पे घोषणा करेंगे, लेकिन वो भी एक डेढ़ वर्ष में मध्य प्रदेश की जो जमीन पर दिखना चाहिए कि यहाँ कितना निवेश आया और यहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिला। और उसके पहले यह है कि आप युवाओं को जिस तरीके से वादे करके आए थे, आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की थी, आपने बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, आपने देख लीजिए जिस तरीके से यहाँ पे पीएससी और विभिन्न परीक्षाओं में जो जिस प्रकार से दरें और फॉर्म की दरें बढ़ाई गई, इसको लेके भी हमने विरोध किया था, लेकिन राहत भी है ना, पीएससी में राहत भी दी है सरकार ने, पदवी बढ़ा है और जो उम्र है वो भी बढ़ा दी है। एक मिनट राउंड में आप पास लौट रहा हूँ, इस अंकित मेरे साथ जुड़े सहयोगी छत्तीसगढ़। अंकित, क्या माना जाए, आज भी काफी सारे लोग रवाना होने वाले हैं और ये एक जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, क्या वहां भी भेदभाव की बात कही जाती है छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ के धान खरीदी मुद्दे को उठाने की पूरी तैयारी भूपेश बघेल सरकार की है, जिस तरह से यहाँ पर सभी मुद्दों को, पूरे देश भर के मुद्दों को अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पर उठाने वाले हैं, तमाम तरह के जो नेता वहाँ पर पहुंचने वाले, उन नेताओं द्वारा उस मुद्दे को उठाया जाएगा, बड़े
मुद्दे के रूप में उसे बनाया जाएगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ से धान खरीदी का मुद्दा एक बार फिर दिल्ली में घूमने वाला है। जिस तरह से धान खरीदी मुद्दे को लेकर सेंट्रल जोन में धान खरीदी ना होने को लेकर भूपेश बघेल की सरकार लगातार केंद्र पर प्रहार में प्रहार कर रही थी, लगातार मोदी सरकार में प्रहार कर रही थी कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ इस बार केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। जब पिछली बार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी यहाँ पर तो उन्हीं नियमों को दरकिनार कर इस नियमों को शिथिल कर छत्तीसगढ़ से सेंट्रल जोन में धान की खरीदी की गई, लेकिन जब इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है तो इस नियमों का हवाला दिया जा रहा है और सेंट्रल पुल में धान खरीदी ना करने की बात केंद्र सरकार कर रही है। कई बार इसको लेकर सरकार के द्वारा तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की गई, कई बार चर्चा भी की गई, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई भी जो जवाब है वो केंद्र के द्वारा नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बने रहिएगा आप दो मिनट और मेरे साथ। आनंद, क्या ये माना जाए कि ये जो मैसेज आप दे रहे हैं, इस मैसेज के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि भले सपना नगरीय निकाय के चुनाव की बात हो या पंचायत के चुनाव कुछ दिनों में होना है, लेकिन क्या कांग्रेस जिस तरह से वह प्रदर्शन करने वाली, ये साफ कर दिया जाएगा कि अब कांग्रेस मजबूत है? बिल्कुल, कांग्रेस मजबूत है। और ये हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री कमलनाथ जी, उनका जो नेतृत्व है उसमें दृढ़ निश्चय दिखाई देता है, चाहे वो छिंदवाड़ा मॉडल के आधार पर विकास की बात हो या अभी हाल ही में जो दृढ़ निश्चय के आधार पर पिछली 15 साल की सरकार में जो एक माफिया राज पनपा है, उस माफिया राज को खत्म करने की जो उन्होंने जिजीविषा दिखाई है, जो जीवट दिखाया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कार्यकर्ताओं में ये जरूर बात है कि 15 साल से सरकार थी, कैडर थोड़ा बिखरा हुआ था, तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं शुरुआत में यह भाव नहीं आ रहा था कि हमारी सरकार है, लेकिन अब कार्यकर्ता उत्साह से आगे के चुनावों में और आगे के राजनीतिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करेगा, उसे लग चुका है कि अब हमारी सरकार है, चलिए हमारी सुनवाई है। ठीक है, और आप बड़ी साफ गोई से कह रहे हैं कि एकदम विश्वास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कर सुशील जी अब कार्यकर्ताओं में विश्वास आ गया है। देखिए, कार्यकर्ताओं में विश्वास जब सरकार आती है तब तो पहले तो विश्वास वहां आता है, दूसरा तब होता है जब कार्यकर्ताओं के काम होना शुरू होते हैं। जब कार्यकर्ता एक बार काम पे लग जाता है, मुझे लगता है कमलनाथ सरकार उस मामले में थोड़ा अभी पीछे है, वो कार्यकर्ताओं को उस तरीके से एकजुट होकर काम पे नहीं लगा पाई है, इसका असर होगा। और अब ये पता चलेगा कि जब दिल्ली में मध्य प्रदेश से कितने कार्यकर्ता पहुंचते हैं, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है और ये मंत्रियों जिलाध्यक्षों सबको सौंपी गई है। बहरहाल ये अभी साल पूरा हो रहा, 17 दिसंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन कार्यकर्ता धीरे धीरे कहीं ना कहीं काम पे लगेगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी कार्यकर्ताओं के दम पर ही सरकार मैदान में उतरेगी, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं को अपने काम तो मिलना ही है। एक लाइन में कुछ कह दी जल्दी से। देखिए जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर कैडर की बात करती है, संगठन की बात करती है, कमलनाथ जी जिस दिन मुख्यमंत्री बन के आए थे उन्होंने कहा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष का पद यहां से छोड़ना चाहता हूं, और आज 1 वर्ष हो गया। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की कहीं भी बात चलती है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाने की बात चलती है, गोविंद सिंह को बनाने की बात चलती है, तो कांग्रेस में एक फूट की स्थिति आप चलिए आप क्या थीक बात कर रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं और आप अपने कैडर को बात कर रहे हैं। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी मेरे साथ जुड़े, आनंद मेरे साथ जुड़े और राहुल मेरे साथ जुड़े, लेकिन हमें लगता है कि जब दिल्ली में ये आंदोलन होगा तो उसके बाद मध्य प्रदेश में जिस आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो ये भी साफ हो जाएगा कि प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही। लेकिन ये जरूर है कि लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को अपना प्रदर्शन भी करना है, शक्ति भी दिखाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री दोनों ही जगह, बल्कि तीनों जगह, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री खासकर कमलनाथ के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो सीनियर लीडर है, सोनिया गांधी के बड़े नजदीक माने जाते हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस बार कमलनाथ दिखा देंगे कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस किस तरह से मजबूत है। चलिए आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।